हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स डू स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 9 पोएम डोंट टेल। टुडे वी विल डू द टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर। How old is the speaker? Speaker means poet. Answer will be, the speaker is a small child, the age of 8 to 10 years. The speaker is a small child, the age of 8 to 10 years. Speaker एक छोटा सा बच्चा है जिसकी एज 8 to 10 years की है. Question number 2, Who are they and them in the poem? They और them किसके लिए use किया गया है poem में? They and them in the poem are the parents of the child. They और them child के parents के लिए use किया गया है. Question 3, What is the secret the speaker is hiding? वो सा कौन सा सीक्रेट है जो स्पीकर छुपा रहे हैं? तो आंसर है, द स्पीकर इज हाइडिंग इज दैट ही इज अ जायंट फ्रॉम इनसाइड। जैसे हमने पोएम में पढ़ा के वो फील कर रहे हैं कि मेरे अंदर भी एक बड़ा सा इंसान छुपा हुआ है और वो कुछ भी कर सकता है, ये सीक्रेट स्पीकर सबसे छुपा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वॉन्ट लेट यू डू। ऐसी 3 चीज़ लिखनी है जो घर के बड़े छोटे बच्चों को नहीं करने देते हैं। देन हम इसके आंसर लिखेंगे, दे वॉन्ट लेट मी डू द फॉलोइंग थिंग्स, दे डोंट लेट मी ड्राइव अ कार। वो मुझे कार नहीं चलाने देते। नंबर 2, दे डोंट लेट मी कुक चपाती इन द किचन। वो मुझे रोटी किचन में नहीं बना दे देते। देन दे डोंट लेट मी गो ऑल अलोन टू द मार्केट। वो मुझे मार्केट में अकेले नहीं जाने देते। What are the things you would like to do when you are grown up and that you just can't Now, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बड़े होकर ही कर सकते हैं, अभी छोटे बच्चे हो तो नहीं कर सकते हैं? तो लिखते हैं ऐसी चीज़ के बारे में, आई वुड लाइक टू गो टू द मार्केट टू बाई ड्रेसिस फॉर माई सेल्फ। मैं बड़े होकर अपने खुद के लिए ड्रेसिस खरीदना चाहूँगी मार्केट जाके। I would like to drive a car of my own. मैं अपनी खुद की कार ड्राइव करना चाहूँगा। Then I would like to cook food all alone. मैं अकेले ही खाना पकाना चाहूँगा। Then next question is, using the letters of given words make 3 words. यहाँ पे words दिए गए हैं, blackboard, mother, वेजिटेबल्स, 1000 एंड हेलीकॉप्टर। उसमें से हमें इसके लेटर्स को यूज़ करके 3 वर्ड्स न्यू बनाने हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है ब्लैकबोर्ड कवर का, उसमें से 3 वर्ड्स बनेंगे, BLACK ब्लैक, BOARD बोर्ड एंड BACK बैक। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं मदर, तो मदर वर्ड में से 3 वर्ड्स हमें दूसरे बनाने हैं, OTHER अदर, MOTH मोथ एंड HER हर। देन लेट्स ब्रेक द स्पेलिंग ऑफ वेजिटेबल एंड मेक 3 न्यू वर्ड्स। द वर्ड्स आर TABLE टेबल, GET कैट एंड ABLE एबल। Let's find out new 3 words from 1000. Then here are these 3 words, SAND send, AND end and HAND hand. Then the last word is helicopter. From that
The three new words are copter, copter, chopper, chopper, and pilot, pilot. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट दिस वर्ड इन द पोएम. हमने ये पोएम में पढ़ा के शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं. वो ऐसे है कि डोंट, आई एम, आई विल. उसका फुल फॉर्म क्या होगा वो देखते हैं. डोंट, डोंट का फुल फॉर्म है डू नॉट, डी ओ एन ओ टी. यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी ऐड करके वो वर्ड को ब्रेक किया गया है और उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है. आई एम तो आई ए एम का उसका होगा आई एम. आई विल तो उसका शॉर्ट फॉर्म है आई डबल एल. नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे जो दिए गए वर्ड्स हैं उसके फुल फॉर्म हमें लिखने हैं. कांट तो उसका फुल फॉर्म होगा कैन नॉट. इट्स तो उसका फुल फॉर्म होगा इट इज. इजंट इज नॉट. व्हाट्स व्हाट इज दैट्स दैट इज. मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग. यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका यूज करके हमें सेंटेंस बनाने हैं. ही इज, शी इज, यू आर, वी आर. लेट्स मेक सेंटेंसेस. ही इज बॉय हु हैज won the trophy. He is the boy who has won the trophy. She is the girl whom I met in the park. She is a girl whom I met in the park. You are going to get a surprise today. You are going to get a surprise today. We are going to have a party in our house tomorrow. हम हमारे घर में एक पार्टी देने जा रहे हैं tomorrow. Now write about two things you would do when you grow up. You can begin like these. Now ऐसी चीज़ के बारे में लिखो जो आप बड़े होके बनना चाहते हैं. और आप ऐसे वो सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं. आपको एक फ्रेज का एग्जांपल दिया गया है when I grow up. उसके बाद आप बड़ा होके क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में आपको लिखना है. When I grow up, I'll become a pilot and fly an aeroplane. मैं जब बड़ा होऊंगा तब मैं पायलट बनना चाहूँगा और एरोप्लेन चलाऊँगा. When I grow up, I will visit all the countries and eat different types of food. जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं सभी कंट्रीज में जाऊँगा और वहाँ के different types of food का टेस्ट करूँगा. Then here last question is say aloud. ये जो spellings हैं आपको मेरे साथ ये video देखते हुए ही repeat करने हैं. G-I-A-N-T giant, G-I-A-N-T giant, J-A-M jam, J-A-M jam, G-Y-M gym, J-U-N-E June, G-O-O-S-E goose, G-R-E-Y grey, G-O-L-D gold, G-U-M gum. Now dear students, here our exercise gets over. You should watch this video carefully and learn this question answer and all other exercise very well. Have a nice day. Thank you very much.